नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झीलों के शहर भोपाल की खूबसूरती बिगाड़ने वालों पर अब थाने में FIR होगी। जी हां, सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से पोस्टर, पॉम्पलेट, स्टिकर, फ्लैक्स बोर्ड लगाना या फिर पेंटिंग कराने पर नगर निगम सख्त हुआ है। जुर्माने के साथ अब थाने में केस भी दर्ज कराया जाएगा। अब तक नगर निगम 12 से ज्यादा कार्यवाही करवा चुका है। शहर की खूबसूरती बिगाड़ने वालों की अब खैर नहीं। इस मामले पर नगर निगम सख्त हुआ, अब थाने में FIR दर्ज करा रहा है। इधर फीडबैक देने के लिए सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसे में नगर निगम लोगों को पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। भोपाल देश के सबसे स्वच्छ टॉप 5 शहरों की दौड़ में शामिल है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के फील्ड वेरिफिकेशन हो चुका है। वहीं स्टार रेटिंग और वाटर प्लस टीमें भी आकर सर्वे करने वाली है। सर्वेक्षण के चलते नगर निगम QR कोड से भी फीडबैक ले रहा है। इसके चलते होटल, रेस्टोरेंट, कैफे समेत दुकानों पर स्कैनर रखे हुए हैं ताकि निगम को अच्छे नंबर मिल सके और रेटिंग में सुधार हो। वहीं पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगाकर खूबसूरती बिगाड़ने वालों पर नगर निगम भी कार्रवाई कर रहा है। नगर निगम में एक ही दिन में 144 से ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई की थी। इसमें गंदगी फैलाने वाले भी शामिल है। नगर निगम भोपाल जो है एक अभियान के तहत जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है इसको जो भी डिफेसमेंट या डिसफिगरेशन किया जाता है, इस पर पोस्टर्स और बैनर्स लगाकर जहां पर अनुमति नहीं है तो इसके संबंध में मुहिम के तौर पे वो अपने लेवल पे एक पत्र के साथ साथ एविडेंस प्रोवाइड कर रही है पुलिस को, और पुलिस जो है इस पर FIR करके संबंधित धाराओं में कार्रवाई कर रही है। अब की बार निगम ने सफाई और सजावट को लेकर ताकत जोंक दी है। वही नए इनोवेशन भी किए हैं। इनमें प्रभात चौराहे पर 30,000 वेस्ट प्लास्टिक बॉटल और 3 टन मलबे से बनाई गई वैक्सीन भी शामिल है। कबाड़ से जुगाड़ के तहत कई इनोवेशन भी किए गए हैं। पार्कों को भी संवारा गया है। सेंट्रल वर्ल्ड की रोज धुलाई कराई जा रही है तो दीवारों पर स्वच्छता, पर्यावरण, पानी से जुड़ी कई पेंटिंग बनाई गई है ताकि लोगों के बीच अच्छा मैसेज जा सके। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।